वीडियो में हम बताएंगे पेनियर से पैसा निकालते वक्त अगर कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट जाता है और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता तो उसका कंप्लेन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेना इस तरह से पेनियर पर। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे माई रिपोर्ट में क्लिक करके खोलना है। इसको देखिए यहाँ पे आधार ट्रांजैक्शन रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आधार से जो भी आप ट्रांजेक्शन किया यहाँ पर दिखाता है, तो इसमें डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट में आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। हम फिलहाल आपको ऐसे ही करके दिखाते हैं। जो देखिए ये रेड है, सस्पेक्टेड फ्रॉड लिख रहा है, ये हो सकता है पैसा फंसा हो, तो इस पर क्या करना है, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लेना है। यही स्क्रीनशॉट के बाद फिर यहाँ पे रिसर्च कंप्लेन पे क्लिक करना है, इन ऐप पे क्लिक करना है। इन ऐप पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले ऊपर में APSC रहेगा, नीचे यहाँ पे सर्विस में जाना है, यहाँ पे सर्वर डाउन पे क्लिक कर लेना है। सर्वर डाउन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सर्वर डाउन की वजह से मतलब पैसा फंसा है, यहाँ पर स्टार्ट टाइपिंग में लिखना है कि कस्टमर अकाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट इन माई वॉलेट। जितना लिखने वाले यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट कलर पर जाना है, यहाँ पे जाके चूज कर लेना है फाइल जो स्क्रीन शॉट लिए हैं, और यहाँ पे इसको इस तरह से बिहेव करके जितना जरूरत उतना ही क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद टोकन नंबर जनरेट होकर इस तरह से आ जाएगा। ये टोकन नंबर भविष्य में आप इससे स्टेटस देख सकते हैं, या 48 घंटा के अंदर 48 आवर के अंदर में आपको बता देगा कि उनका पैसा अकाउंट में गया या नहीं गया, जो भी है। यहाँ सी माई कंप्लेंट पे जाके और आगे का सी माई कंप्लेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का है, इस तरह देखिए यहाँ पे लिख रहा ओपन, यहाँ ओपन लिख रहा है, इसमें मतलब अभी आप कंप्लेंट जो कि प्रोसेस में है। यहाँ पर क्लोज लिख के आ जाए, इसमें मतलब जो कंप्लेंट की वो सॉल्व हो गया। इसको चेक करते रहना, सिंपल प्रोसेस चेक करने के लिए बताते कैसे चेक करना। बैक कर लेना इसके साथ पहले, बैक करने थ्री लाइन पर क्लिक करना है, कंप्लेन एंड इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया तो उस डेट में दिखाएगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा आज कंप्लेन किए ना अभी, तो यहाँ ओपन दिखा रहा। और देखिए बैक डेट हम सिलेक्ट करते हैं, किसी और दिन कंप्लेन अगर किया हूँ तो वो सॉल्व हुआ हुआ तो उसका भी दिखाएगा। देखिए यहाँ पे क्लोज लिख दिया, क्लोज यानी कि मेरा सॉल्व हो गया। यहाँ पे लिख के आ गया, यहाँ देखिए 48 आवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ 48 वर्किंग आवर है ना, 48 वर्किंग आवर इन नोट बोला कि जो 48 घंटे के भीतर आपका जो कंप्लेन किए थे उसका सोल्यूशन हो गया। अगर सोल्यूशन आपको नहीं मिला है, इसके बावजूद सोल्यूशन नहीं मिला पैसा कस्टमर के अकाउंट में, तो री ओपन पर क्लिक करके फिर से कंप्लेन कर सकते हैं। तो इतना नहीं टाइम लगता है, रियल में अगर पैसा फंसा होता है तो 24 घंटे के अंदर में कस्टमर के अकाउंट में आता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगता है। बैंक पे डिपेंड करता है, बैंक के कस्टमर केयर से भी बात करके कंप्लेंट कर सकते हैं। थैंक यू।